करौली में पार्षद के इशारे पर तमाशबीन पुलिस के सामने नकाबपोश दंगाई शहर को आग के हवाले करते रहे। पार्षद आगे आगे चल रहा था और पीछे नकाबपोश हाथ में लाठियां लेकर तोड़फोड़ कर रहे थे, दुकानों में आग लगा रहे थे। वार्ड 33 के पार्षद मतलूब अहमद के इशारे पर हुए इन दंगों पर पुलिस भी चुप रही। नकाबपोश दंगाई पुलिस के सामने हाथों में लाठियां लेकर गुजरे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें रोकने की। लोग पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे, बहुत खून बह गया, अस्पताल पहुंचा दीजिए, लेकिन पुलिस ने काफ़ी देर तक कुछ भी नहीं किया। करौली दंगों को आज 8 दिन हो चुके हैं, लोग घरों में कैद हैं, लेकिन मुख्य आरोपी पार्षद अभी भी गिरफ्तारी से दूर है। इन दंगों की वजह जानने के लिए 7 दिन से पड़ताल किया जा रहा है। इस दौरान 50 से ज़्यादा लोगों से बात की गई जो दंगों के वक्त वहाँ मौजूद थे। 100 से ज़्यादा वीडियो फुटेज खंगाले गए। इन्हीं वीडियो में एक वीडियो ऐसा है जो दंगों की पूरी साजिश से पर्दा उठा रहा है। एक वीडियो में दिख रहा है कि पार्षद मतलूब अहमद दंगाइयों से बात कर रहा है, उन्हें बता रहा था कि आगे क्या करना है, बीच बीच में फ़ोन पर भी बात कर रहा है। वीडियो के इसी फ्रेम में पुलिस भी तमाशबीन की तरह नज़र आ रही है। पार्षद के इशारे पर दंगाइयों ने पहले बाइक दुकानों में तोड़फोड़ की और फिर वाहनों में आग लगा दी। दंगाई चुन चुन कर दुकानें जला रहे थे। जब 2 जीप और 30 से ज़्यादा बाइकों को दंगाइयों ने क्षतिग्रस्त कर दिया तो पार्षद ने उन्हें आगे जाने के लिए कहा। ऐसे ही एक जगह पर उपद्रव के बाद पार्षद ने इशारा कर दंगाइयों को वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद दंगाई नारे लगाते हुए और लाठियां लहराते हुए पुलिस के सामने पार्षद के पीछे पीछे वहां से चले गए। पार्षद और दंगाइयों के जाने के बाद कुछ युवक पीछे से तोड़फोड़ कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने उनसे कहा, अब यहां से निकलो, बहुत तोड़फोड़ हो गई है, सब जा रहे हैं, तुम भी जाओ इधर से। दंगों के दौरान लोगों ने इंसानियत का फर्ज भी निभाया। आग की लपटों के बीच घायलों को अपने घर में शरण दी। वहां के लोगों ने पुलिस से घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद की गुहार लगाई। कुछ पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए फ़ोन भी किया। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची तो कुछ खून से लथपथ घायल पैदल ही अस्पताल के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।